चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी लॉकडाउन से जुड़ी हुई है, लेकिन बॉलीवुड से। लॉकडाउन का बॉलीवुड पर भी असर हुआ है। लॉकडाउन की वजह से बॉलीवुड से जुड़े लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। बिल्कुल, और असर भी अच्छा खासा पड़ा है। हिंदी सिनेमा में काम करने वाले सुपरस्टार के हम शक्लों से काम ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और ऐसे में हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है ताकि आप इनकी समस्याओं को, इनकी परेशानी को समझ सके। एबीपी न्यूज संवाददाता रवि जैन की बॉलीवुड पर ये खास रिपोर्ट आप देखिए। सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, आम लोगों की तरह बॉलीवुड के ये बड़े सितारे भी लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में बंद हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन ने किस तरह से कर दिया है सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के तमाम डुप्लीकेट्स यानी कि उनके हमशक्लों को हैरान और परेशान। कुछ तो बता शोज ने इन सभी डुप्लीकेट्स को परेशानी में तो डाल ही दिया है। इन सभी को खुद पर निर्भर परिवार वालों और करीबियों की आर्थिक सहायता करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सागर पांडे जो सलमान खान के लुकालाइक हैं और पिछले 22 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है से लेकर सलमान की तमाम बड़ी फिल्मों में बॉडी डबल का काम कर चुके हैं सागर। देश और दुनिया में लागू लॉकडाउन ने ना सिर्फ उनकी फिल्मों की शूटिंग पर ब्रेक लगा दिया है बल्कि देश विदेश में उनके द्वारा किए जाने वाले स्टेज शो से होने वाली उनकी आमदनी को भी खत्म कर दिया है। हमारा एक 22 दिन का टूर था, वो यूएई टूर था और फर्स्ट टूर हमारा यूएई से शुरू हो रहा था। उसके बाद यूएई से हम लोग जापान जा रहे थे। जापान का हमारा एक 4-5 दिन का शो था, उसके बाद वापस यूएई आ रहे थे और यूएई में वापस हम लोग, तो 22 दिन का एक लंबा अमाउंट था, बड़ा अमाउंट था जो टोटल ब्रेक हो गया। एक तारीख अभी जो एक तारीख निकल गई, इस एक तारीख से हम लोग ऐसे बड़े टूर बहुत मुश्किल से मिलते जो इतने लंबे चले और जिससे लाखों रुपए की कमाई एक साथ हो जाए। एग्जैक्टली, टूर मिलते ही बहुत मुश्किल से है। पांडे जहां फिल्मों और स्टेज शोज दोनों से ही कमाई करते हैं तो वहीं शाहरुख खान के डुप्लीकेट राजू राहिकवार की कमाई का मुख्य जरिया स्टेज शोज और लोगों द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रमों में बुलाया जाना है। हम शक्ल होकर भी उन्होंने शाहरुख खान की किसी भी फिल्म में बॉडी डबल का काम नहीं किया है। लॉकडाउन के माहौल ने घर चलाने की उनकी दिक्कतों को कई गुना बढ़ा दिया है। और एक बना हो चुका है सर, अब हमारी जो दुकान चलती है सर पूरी शोर से चलती है, शूटिंग बहुत कम मिलती है क्योंकि हम लोग लाइक है। अब जब शाहरुख साहब काम करते तो हमें भी काम मिलता है। अब शाहरुख साहब एक साथ से काम नहीं कर रहे, अब वो कुछ नई क्रिएटिविटी कर रहे, नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे, तो उतना टाइम हमें समझना हमारे डिमांड कम हो जाता है सर स्टेज। मतलब ये फेस करना पड़ता है कि क्या शाहरुख की रिपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शाहरुख को मतलब इतना टाइम इतना सब कुछ होने के बावजूद हमें काम नहीं मिलता बिकॉज क्योंकि हमारे सीनियर काम नहीं कर रहे तो हमें काम कर सकते। आइए अब आपको मिलाते हैं अनिल कपूर के लुकालाइक यानी कि आरिफ खान से जो पिछले 30 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। आरिफ खान ऑल इंडिया लुकालाइक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, जिसके तहत विभिन्न शख्सियतों के 150 डुप्लीकेट्स रजिस्टर्ड सदस्य हैं। आरिफ ने एबीपी न्यूज को बताया कि फिलहाल के लिए तो उन पर लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं हो रहा है, मगर उनके एसोसिएशन से जुड़े ज्यादातर हमशक्लों को घर चलाने तक की दिक्कत पेश आ रही है। कि कोई हम बहुत बड़े
कोई स्टार नहीं है, बस शो करते हैं, शूटिंग करते हैं, कभी डबल कर लेते हैं, इसी पर चलता है। जितने भी लुक लाइक भाई है उनके हालात ऐसे मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगा कि 15-20 दिन की इसमें तो हर आदमी एडजस्ट कर लेता, लेकिन जब हालात का जायज़ा मुझे हुआ, जब फ़ोन आने लगे, लोग रोने लगे, लोग कहने लगे आरी भाई कम से कम राशन भेज दो, राशन नहीं भेज सकते आप तो कम से कम खाना भेज दो, आज मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया फिरोज खान, मगर ये हम शक्ल हैं अमिताभ बच्चन के। शुरुआत में अमिताभ बच्चन की नकल ने इन्हें पहचान और कमाई का जरिया दिया। फिलहाल ये दो सीरियल्स भाभी जी घर पर हैं और जीजा जी छत पर हैं जैसे सीरियल्स में नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन से तमाम लोगों के लिए पैदा हुई मुश्किलों पर चुटकी लेते हुए फिरोज खान ने अमिताभ बच्चन के अंदाज में कही ये बात। काम नहीं हो तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, आए बहुत परेशान है भैया, चलते हैं। नमस्कार, जा रहे हैं भाई, कोई बाहर रुकने नहीं देता। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हों या फिर उनकी नकल कर अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने वाले तमाम हमशक्ल सभी को इस लॉकडाउन के खत्म हो जाने का बेसब्री से इंतजार है। कैमरामैन सादिक के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।